तो अब सनसेट होने वाला है, टाइम अभी हुआ देख रहे होगे, ऑरेंज ऑरेंज हो गया, टाइम अभी हुआ 5:30 का, मे बी नेक्स्ट 10 मिनट्स तक हो जाएगा। तो अभी टाइम हुआ 3:30 का, तो हम यही सोच रहे हैं कि कहीं आसपास लोकल मार्केट थोड़ा घूम के आते हैं कहीं पे। आज लेक पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाने में 25 किलोमीटर है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना लगेगा, तो टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, ये भी थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं, चलते हैं कहीं आसपास बाहर मार्केट देखते हैं, जो नियर अबाउट मार्केट है वो घूम के आते हैं, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स या कोई लोकल फूड ट्राई करेंगे। तो देखें फोटो खींचनी हो, फोटो क्लिक करनी है, एनिवर्सरी दोनों की आज, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच। चलो फिर अभी फोटोज क्लिक करते हैं। तो अभी गोल्फ कार्ट पे हम पूरा राइड लेके आए हैं, अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं बैठा था, अभी जाते हुए दोबारा शूट करूँगा। और अब हम तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बनाओ, चलें यहाँ से मार्केट जरा घूम के, मैं इन भाई की वीडियो बनाता हूँ। तो ये रास्ता थोड़ा सा जो मैं बता रहा था कि 500 मीटर का रास्ता थोड़ा सा स्टीपी है, स्लोपी है, मतलब ऊपर जब आप चढ़ रहे हो और अचानक से कोई आगे से गाड़ी आ जाए तो आपको बैक करनी पड़ेगी। तो सिर्फ ये इतना सा रास्ता है, इतना सा पैच है बस, ये आप घर देख रहे हो, यहाँ से सीधा नीचे मेन हाईवे आ जाएगा। और व्यू तो साथ साथ दिखा ही रहा हूँ मैं, तो बस ये यहाँ से नीचे आपका हाईवे आ गया, तो बस इतना सा पैच, थोड़ा सा स्लोपी है बट इतना चल जाता, कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं है। वैसे भी हमारे साथ प्रोफेशनल ड्राइवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आ गया हाईवे जहाँ से हम आए थे, नाहन से उधर की ओर, तो जहाँ से गाड़ी आ रही है वहीं से आए थे। तो ये ऊपर वाली रोड से हम आए हैं यहाँ नीचे, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में तो हम सब जगह खाते रहते हैं, रिजॉर्ट में भी है वैसे तो खाना अच्छा है, पर पहाड़ों में आके जो कढ़ी चावल या राजमा चावल कुछ ऐसा ट्राई करना हो तो वो ऐसे छोटे ढाबों पर ही अच्छा मिलता है। और मशोपरा में भी हमने ऐसे ही ट्राई किया हुआ है, जो आंटी का हर बार जाके खाते हैं, तो अब सोचा कि यहीं पे कुछ ट्राई करते हैं, अगर अच्छा सा कढ़ी चावल वगैरह कहीं मिलता है तो वो बैठ के खाएंगे कुछ लाइट सा, फिर आगे चलेंगे। एक लोकेशन देखिए, धोला कुआं, यहाँ पे वो भी लेक टाइप बनी हुई है, किसी लोकल से पता करते हैं कि अच्छा है या नहीं है, या सिर्फ फ़ोटोज़ में अच्छा लग रहा हो कहीं, तो एक बार पूछते हैं किसी से, कुछ खाते हैं फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से आए हैं रेणुका जी से, और यहाँ पे अभी देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। और ये बस स्टैंड भी लग रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सेब कितने रेड रेड सेब मिल रहे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं कुछ खाते हैं। तो आप कभी भी अगर पहाड़ों में आओ, कहीं पे भी जाओ, तो अगर आप थोड़ा देसी फूड ट्राई करना चाहते हो कि थोड़ा कुछ देसी खाना ट्राई किया जाए, तो इन ढाबों पे ज़रूर ट्राई करना। और कुछ लोगों को होता है कि नहीं, छोटे ढाबे पे पता नहीं खाना कैसा होगा कैसा नहीं, बट बिल्कुल घर जैसा स्वाद होता है, और मैं तो हर बार ट्राई करता ही हूँ। पिछली बार मशोबरा भी गया था, तब भी हमने ट्राई किया था, और एक आंटी का ढाबा है वहीं से खाते हैं। तो यहाँ पे भी राजमा खाए, पहाड़ी राजमा, अलग ही स्वाद था, मज़ा आ गया। और मिक्स वेज खाई थी, तो अच्छा रहता है टेस्ट यहाँ का, बहुत तेज मसाले नहीं होते, घर जैसा ही फील होता है, बट स्वाद एक अलग ही आता है, तो ट्राई करना चाहिए। और ये बनाते हुए बड़ा, आप ऑर्डर करेंगे तभी फ्रेश बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब मैं एडवाइस करूँगा कि आप कभी आएँ तो एक आधा कोई अच्छा जो चलता ढाबा हो उसका ट्राई ज़रूर करिए। बाकी आगे चलते हैं, धोला कुआं जगह का नाम है, पूछा है अच्छी है कि फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराने के लिए, नान में ही पड़ती है, यहाँ से 8 किलोमीटर ही है, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट ही लगेंगे, तो सोचा कि हो ही आते हैं जब यहाँ तक आए हैं, तो यही रास्ता आगे की ओर जाएगा, मैप में हम लगा लेंगे, तो अगले 15-20 मिनट पहुँचते हैं वहाँ पर, और निकलते हैं फिलहाल यहाँ से अभी। तो कैसा था खाने का टेस्ट? बहुत अच्छा, अच्छा था ना, और मजा आया था, कड़ी थी नहीं उसके बाद, राजमा थे ना, चावल भी था, प्राइस भी ठीक था, चावल मिल जाते ना राजमा के साथ तो अल्टीमेट मज़ा आ जाता। नहीं बिल्कुल, राजमा चावल खाते फिर कोई नहीं, कल हमने इसी रूट से आना है, कल अगर देखेंगे थोड़ा सा अगर स्पेस रहा पेट में तो ज़रूर एक बार ट्राई करके जाएंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं, धोला कुआं जो जगह का नाम है यहाँ पे, एक दिल्ली में एक यहाँ पे नान में, तो चलते हैं वहाँ पे अब।
काफ़ी टाइम हुआ है 5:20 का, और धौला कुआँ जो हमने सोचा था वो जगह कुछ वहाँ पे पानी वाला ऐसा कोई लेक था नहीं, वो फ़ोटो कहीं और की डली है, और रेणुका जी लेक की फ़ोटो डाल रखी है जो हम कल जाएंगे। और ये कार्ट आ रही है पीछे से, पर फिलहाल अभी हम हाँ अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं ना, यहाँ कैफे मून पॉइंट पे बैठेंगे, यहाँ चाय पियेंगे, यहाँ पे सनसेट का मज़ा लेते, क्योंकि सन इज़ अबाउट टू सेट, ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे रूम में, मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, फिर हम जाएंगे इस कार्ट पे बैठ के। तो अब सनसेट होने वाला है, टाइम अभी हुआ देख रहे हो ऑरेंज ऑरेंज हो गया, टाइम अभी हुआ 5:30 का, मे बी नेक्स्ट 10 मिनट्स तक हो जाएगा। फोटोज़ क्लिक करें, चलो। और यहाँ बैठ के अभी हम छोटा सा केक काटेंगे, जब केक मिला नहीं आया फिर हम छोटा ले आए, तो हम सनसेट पे केक कट करेंगे। चलो काटो, केक कटिंग सेरेमनी और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, ये हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो केक कट करो, दोनों हाथ पकड़ो, तो हम बड़ा केक अरेंज नहीं कर पाए तो हम छोटे केक से केक कट कर रहे हैं इस कैफे में। ये हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, यीपी। फोटो द्वारा। अब रात का टाइम हो गया, मतलब रात होने को है, 6 बज रहे हैं और लाइटें जल गई हैं। ये लाइटें अभी लगा रहे हैं दिवाली की वजह से, तो थोड़ा सा मैंने कहा पैदल चल के ऊपर चला जाए, वो गोल्फ कार्ट में चले गए हैं, और यहाँ पे हमने अभी केक कट किया था, तो चलते हैं फिर ऊपर रूम में। टाइम हो गया 6:30 का, इवनिंग स्नैक्स टाइम, पकौड़ों के साथ चाय। तो भी टाइम हुआ 8 बजे का, और मैं जा रहा हूँ नीचे पूल खेलने, पापा और मैं पूल खेलेंगे एक गेम, देखते हैं कौन जीतता है, चलते हैं नीचे। किधर लगाऊँ, इधर डी किधर है, तो फ्रेम लगाए इसको। मिक्स वेज है, फ्राइड राइस है, पनीर है, पनीर मिक्स वेज, फ्राइड राइस, नान, दाल, और ये चिकन, थोड़ा चिकन खाना खाए। तो हमने डिनर कर लिया, टाइम हुआ 10:30 का, और अब थकावट हो रही है, अब नींद पूरी करेंगे, तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, तो गुड नाइट। कल सुबह फिर मिलते हैं आपको नई सुबह के साथ, कुछ नए चटपटी ब्लॉगिंग के साथ, तो अभी करते हैं आपको गुड नाइट। और प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कुछ भी अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपको इस रिज़ॉर्ट के बारे में और भी कुछ बताऊँगा कल सुबह उठ के। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।